हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है गाइस। मैं हूँ यूनिक फलक, लेके आई हूँ न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हम किसी भी गेम प्ले पे रिएक्शन नहीं देने वाले, आज देने वाले हम ट्रिगर इंसान की न्यू वीडियो पे, जिसमें उन्होंने ढिंचैक पूजा के साथ कोलैब किया है। आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग देख भी चुके होंगे, बट मैंने रिसेंट अभी नोटिफिकेशन चेक किया और उसमें मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पे ट्रिगर इंसान जो कि निंजैक पूजा की खतरनाक ही उन्हें रोस्ट कर देते हैं, तो आज देखते हैं कि उन्होंने साथ में मिलके ऐसा क्या बूमबाम मचाया, क्या किया कि भाई आज दोनों ही एक फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं उनकी वीडियो पे, लेट्स गो। तो गाइज यू कैन सी, यहाँ पे हम आ चुके हैं ट्रिगर इंसान के चैनल पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रिगर इंसान का पहला ही वीडियो जो 4 दिन पहले आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ढिंचैक पूजा थंबनेल और ट्रिगर इंसान दोनों देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे इनका टाइटल है आई प्रपोज ढिंचैक पूजा आफ्टर लिसनिंग हर न्यू सॉन्ग फॉर रियल। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। टाइटल से तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। जी हाँ, वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है जब ढिंचैक पूजा, वो ढिंचैक पूजा जिस पर वीडियोस बना मैंने अपने चैनल की स्टार्ट करी थी, वो ढिंचैक पूजा जिसने सेल्फी मैंने ले लिया स्वैग वाली टोपी जैसे लेजेंडरी गाने गाए हैं, वो आज स्वयं हमारे चैनल पे आने वाली है। एंड हम जाने वाले हैं एक डेट पे, एंड क्योंकि डेट मैंने पे रिसेंटली ढिंचैक पूजा का एक लव सॉन्ग सुना। तुमको जाऊं खुद से ज्यादा, खुद से ज्यादा तुमको जाऊं, तुमको मांगूं रब से ज्यादा। ये गाना सुन के कसम से मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा क्यों ना हम पूजा जी पे एक छोटा सा प्रैंक कर लेंगे, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी तो उनका रिएक्शन देखने वाला होगा। और उसके अलावा भी हमने काफी सारी फन एक्टिविटीज वगैरह करी, वो तुम्हें तब पता चलेगा अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे। तो एंड तक देख लेना और वीडियो यही है वो ऐतिहासिक पल जब हमारे साथ हैं द लॉर्ड सूर्यों की देवी हरसेल्फ ढिंचैक पूजा। तो ढिंचैक जी हमारे चैनल शक्ल देख के ढिंचैक पूजा की लग रहा बिल्कुल खुश नहीं है पटेगा इंसान कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हैं। तो पर आई है ढिंचैक जी, आपके सम्मान में हमने एक इंट्रो तैयार करा है छोटा सा। गाना बजाओ। 3 2 1 सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। ढिंचैक जी आपको कैसा लग रहा है? आप बिग बॉस में गई, आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, आपने अपने जीवन में जो आप लेवल पहुंच सकती थी सब अचीव कर लिया है, और उसके बाद आज आप फाइनली हमारे इस चैनल पर आ गई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलना चाहती थी, आज मिल लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ढिंचैक जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे का क्वेश्चन क्या था आज तक मैंने आपको काफी मैसेज वैसेज करे, आप पे वीडियोस भी बनाई कुछ, लेकिन आपने कभी ना उन पे रिप्लाई करा, ना मुझे कभी इंस्टा पे रिप्लाई करा, ना मैसेज करा। लगता है व्यूज कम हो गए हैं जो अब आप सामने से कोलैब कर रहे हैं। न्यूज तो कम हो गए हैं जो कि सच है, सबको पता है, लेकिन मैं सोचा जो मेरे ऊपर बने हैं तो उनसे ही बात कर लें। फिर पहले हमने आपको आगे बढ़ा दिया, आप हमें आगे बढ़ा दीजिए। ये साझेदारी है, देखिए कभी हमने भी अपना चैनल जो है आपके नाम पे ही पूरा शुरू किया था, तो अब अच्छा हुआ ना किया, तो हमारे यहाँ बैठ सकते। सही बात है, देखो दोनों मिलजुल के आज चैनल बढ़ा रहे हैं। चलो लाइक करो वीडियो को जल्दी से। वैसे व्यूज की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है, अब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर आपके कितने व्यूज हो जाएंगे इस वीडियो में? पहले ही आपने मेरे सब्सक्राइबर चुरा लिए हैं, अब जो है वो भी चुरा लो। मैंने चुरा लिया मतलब एक तरीके से खींच लिया। देखिए वो जमाना बहुत पुराना था, आज से 4-5 साल पहले। अच्छा अच्छा लोग तो ये लोग भी चेंज हो गए, चेंज हो गए, बदलते रहते बच्चे हैं। बच्चे देख रहे हैं आजकल बच्चे, अरे बिल्कुल नवजात शिशु, अभी जो फ्यूचर में पैदा होने हैं ना, जो आंटी अभी 7th 8th मंथ में उनके बच्चे पेट से ही वीडियो देख रहे हैं मेरी। तो आपको क्या लगता है आपके जोक्स पर से बच्चे हंसते हैं? देखो आपको कैसे पता कि मेरे जोक्स पे बच्चे हंसते हैं? क्योंकि मेरी वीडियो पे बच्चे कमेंट करते हैं, बट कम से कम मेरी वीडियो पे कोई कमेंट तो करता है, आपकी वीडियो पे कहाँ करेंगे, आपके तो कमेंट भी ऑफ, कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं क्योंकि वी डोंट लाइक कमेंट। देखिए कोई गाना आपका अच्छा है या बुरा है ये तो तब पता चलेगा ना अगर ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, मेरा तो हर चीज अच्छा है। यार इसकी आंखें अच्छी नहीं है, जो भी कोई यार आंखें अच्छी है, अभी मैं तुम्हारी सुनूं उसकी सुनूं, उसकी सुनूंगी ना। जिससे याद आया कि आपका वो गाना था दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ मुझसा ना है कोई क्यूटर, आपको कैसे पता आप क्यूट हो? मैं तो देखो क्यूट हूँ बचपन से थी, सारी लड़कियां लड़के मैं सबको क्यूट मानती हूँ और अपने आपको तो ज्यादा ही मानती हूँ।
गाना राइम हो रहा था, क्यूटर गया था। अच्छा इसलिए। बट वो क्यूट भी है तो वो बन गया, वो चल गया गाना। चल गया। जो भी नहीं। मतलब आज तक तो आप यही करते आए हो। करते हो। एक और मेरा क्वेश्चन था कि आपने इतने लेजेंडरी गाने। कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हूं। मेरे लिए आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपका नाम डालते ही ज्यादा आते हैं। आज मैं खुद आ गई। और आज आप खुद आए हो तो मैं तो सोच रहा हूं क्या होगा, बताओ। भगवान को कुछ चढ़ाओ यार कभी। सही में, सही में। बिलीव इन गॉड। आप ही भगवान हैं। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद, आशीर्वाद आए। चलो आगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने इतने लेजेंडरी गाने बनाए, तो लेजेंडरी गानों में सबसे फेवरेट कौन है? अब आप ये मत बोलना कि सारे अच्छे हैं। एक होता है गाना जो सबसे फेवरेट होता है इंसान का, आपका खुद का कौन सा है? वैसे तो वही सारे हैं, मेरा आंसर वही है। मेरे को पता था। बट आई थिंक मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो फर्स्ट को कहना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ है। फर्स्ट था आपका स्वैग वाली टोपी, राइट? देखो मुझे पता है। कितना फॉलो करता है मुझे? अच्छा दूसरी आईडी से? नहीं नहीं, फर्स्ट था आपका स्वैग वाली टोपी, राइट? देखो मुझे पता है। कितना फॉलो करता है मुझे? अच्छा दूसरी आईडी से? नहीं नहीं, रियल आईडी से करता हूं। रियल आईडी से करता हूं। अच्छा मैं तो देखा नहीं। अरे मैं फिर एक ही चैनल को सब्सक्राइब दूं अपने रियल अकाउंट से आपको, बस भगवान आपको लंबी उम्र दे। देखो आपका चैनल पे अगर हम अभी जाएंगे ना, तो आपका दारू 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 गाना है सिर्फ, सबसे पहला। स्वैग वाली टोपी है भी नहीं आपके चैनल पे, फिर भी मुझे पता है कि वो आपका फर्स्ट गाना था। तो आपने उसको रोज बनाया होगा, इसलिए आपको पता? नहीं मैंने नहीं उस पर बनाया, मैं फॉलो किया आपको स्टार्टिंग से 2014 या 2015 से। यार इतना किसी लड़की को फॉलो करते हैं, पता नहीं क्या होता, कहाँ से कहाँ होता है, क्या मुझे फॉलो। अरे आप समझ नहीं रही हैं यार। अच्छा करियर भी इम्पोर्टेंट होता है ना, ये आपका करियर है। इज राइट, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? सही तो बोल रही है भाई, करियर इम्पोर्टेंट है ना। है ही वो तो। अच्छा लग गई भाई यहाँ पे भाई, आज तक ट्रिगर इंसान रोज करता आ रहा है ढिंचैक पूजा को, बट यहाँ पे उन्होंने सामने रोज कर दिया अच्छे से ट्रिगर इंसान को। ट्रिगर इंसान कह रहा होगा मैं कहाँ फंस गया यार। फर्स्ट थिंग, लोग सोचते होंगे कि ढिंचैक पूजा, मतलब कभी सोचा नहीं होगा कि ढिंचैक पूजा भी ऐसे सामने रोज कर सकती है। मौका मिलेगा तो सारे के सारे कर सकते हैं भाई, पर लोग करना नहीं चाहते, वो अलग चीज होती है। और पूछो पूछो। आप बिग बॉस तक पहुंच गई थी, ये कैसे हो गया? कितने पैसे देने पड़े थे बिग बॉस में जाने के लिए? देखो पैसे लेके भी वो लेता देते नहीं है, तो सबको पता नहीं, तो कोई भी आ जाता, अमीर से अमीर लोग वहाँ पे, तो आपने देखा होगा। तो उनका मेल आया था मेरे पास कि मतलब ऑडियंस की डिमांड थी, जब भी हमको शूट या वीडियो या कुछ भी फिल्म होती है तो ऑडियंस की डिमांड पे होती है हमेशा। उन्होंने मुझे मेल किया, मैं उनसे मिली, फिर मुझे जाना था, एंट्री करनी थी, बट मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, मेरे मैनेजर ने बोला, फिर मैंने दोबारा एंट्री की उस पर, क्योंकि मुझे दो तीन लोगों ने उल्टा सीधा बोला था कि तो पागल है बिग बॉस में नहीं जा रही। अब मुझे ये नहीं पता बिग बॉस क्या है, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं पता था। नहीं तो मैं जाऊंगी ना। सलमान खान को सामने से देखा, फिर कैसा लगा आपको? सामने से सलमान खान जैसे लग रहे थे वो। वही थे? अच्छा वही थे, वही तो। हाँ तो फिर मैंने हाथ वाथ मिलाया तो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ कि वही थे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत बचपन से उनकी मूवीज में देखा है मैंने उनको, अच्छा था, लोग सब अच्छे थे। तो काफी ऐसा अजीब नहीं लगा आपको कि उन्होंने तक आपका रोस्ट कर दिया, वो आपसे गाना गवाया उन्होंने? दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। उसके बाद वो बोलते हैं ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है, इसको वायरल कर दिया तुमने, ये गाना हिट किया आप लोगों ने, ऐसा ही हुआ था ना? देखो मैं बहुत फॉलो करता हूँ बड़े लोगों को, लोग फॉलो करते हैं और बड़े लोग बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ लो। सलमान खान मुझे रोस्ट कर रहे हैं, सही बात। आपको किया कभी? करना चाहिए था, मैं वो वीडियो जरूर देखती, उस पर लाइक भी करती। अरे रे भाई, सल्लू भाई की बात हो ही रही है तो मैं पूछना चाहूंगा पूर्ण सवाल। पूछो। सल्लू भाई भी हमारे गाने गाते हैं, आप भी गाने गाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे गाने गाते हैं, सल्लू भाई? सलमान खान आपको ढूंढ रहे हैं, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, या फिर आप ज्यादा अच्छा गाते? सेल्फी मैंने ले लिया भाई। दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हम दोनों अच्छा गाते हैं, आप अच्छा नहीं गाते। तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गा के दिखाओ। गाना बोलो आप कौन सा गाऊं? कोई भी गा दो जो आपको आता हो लिरिक्स के साथ। टोपी लाओ भाई, ये लो, आज आपको टोपी बनाते हैं। अरे आपने खुद ही पहन ली, सही लग रहा है। स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मत दिखाओ। पीछे लोग आए। अरे मेरे चार भाई। अरे मत दिखाओ भाई, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक। भाड़े के टट्टू का है। भाड़े के टट्टू को बुलाओ। ए 10-10 रुपए वाले, भाड़े वाले, चले आओ पीछे आओ। तू भी आ भाई। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। दारू 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 होए, दारू 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 होए, दारू दारू जो ना नाचे उसको मारू, दारू दारू दारू। सेल्फी मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। देखो मैंने
मैंने अपने सेल्फी मैंने ले लिया आज वाला सपना भी पूरा कर लिया, वो भी विद ढिंचक पूजा हर सेल्फ। कम से कम मेरे गाने आज आप गा पा रहे हो। सही बात, मैं तो हमेशा गाता हूँ आपके गाने। अबे यार वाइब करता हूँ मैं, मतलब रात रात भर जाग के जब हम पार्टी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ढिंचक पूजा के गाने। गुड, अब मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लिया, आप भी तो कुछ पूछ लो। ऑडियंस के लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो आपकी वीडियोस देखते हैं, मुझे उस स्टूडेंट के लिए बुरा लगता है जिसकी आप इंजीनियरिंग की सीट खा रहे हैं। कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा ढिंचक पूजा को रोज करा इन रियल लाइफ, ये उल्टा हो रहा है। क्या पता रियलिटी में ऐसा हो, ऑडियंस को पता नहीं कुछ। मुझे भी नहीं पता ये बात यार, मुझे भी नहीं पता ये बात यार, पुलिस पता लगा रही है। ये काम ज्यादा अच्छा है, कम से कम कुछ लोगों का टाइम पास तो हो रहा है। हाँ सही बात है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो मैंने बोल दिया बनाने की बात कर रहे हो। गाना बनाते हैं बिल्कुल, आप बताओ क्या गाना। तीन वर्ड तो गाना बना दूंगा, निश्चय मल्हान नाचोस। नाचोस और निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो। क्या देख लिया भाई, नाचो 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 नाचो। ढिंचक पूजा का गाना है ना, समझ कैसे आएगा। वैसे आपका कोई फैमिली बिजनेस है क्या? क्यों, कभी आपने सोचा है जिस दिन यूट्यूब बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे आप लोग? सोच लो, अभी टाइम है। मैं तो इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, तो मेरे पास तो है ऑप्शन, मैं तो नौकरी कर लूंगा। आपने अपना सोचा, आपका क्या होगा? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन। ये लड़की वाला कार्ड कहाँ से यहाँ पे आ गया भाई? अरे शादी कर लूंगा यार किसी से, क्या होगा। मैं तुमसे नहीं कर रही टेंशन, मतलब दिल टूट गया। अभी होप है, ट्राई करते रहना। सच में यार, तो व्हाइट फूल नहीं देते, रेड देते हैं, कुछ पता नहीं है क्या आपको? अच्छा तो पूजा, आई वाज वंडरिंग के 5 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए, मैंने स्टार्टअप पे मत करो यार, मत करो। पूरी जर्नी में मैंने कभी रियलाइज ही नहीं करा कि मुझे कब आपसे प्यार हो गया। कुछ नहीं हुआ, हुआ हुआ, आपको नहीं पता चला बट हो गया। मैंने आपको प्रपोज भी किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब हे भेज दिया था, वो भी आपने नहीं, आपके किसी दोस्त ने, असिस्टेंट ने। तो अभी मैं सोच रहा था कि पूजा जी मत करो, लो नाचोस खाओ। So, इसको मैं हाँ समझू? अच्छा नहीं है, दोबारा कोशिश करना। पूजा जी, will you be my valentine? No. कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। मैंने क्या बोला, ट्राई करते रहना, शायद। It's a prank. Okay. It's a very फालतू का failed वाला prank. I tried. वैसे आपने क्या सोचा है, आप शादी कब करोगे? वैसे अंडर एज क्राइम नहीं है इंडिया में? आगे वाले सेगमेंट पे चलते हैं गाइस, हो गया मेरा आज काफी रिएक्शन टाइम। तो इस सेगमेंट में मैंने पूजा को कुछ कमाल कमाल के क्रिंज वाले गाने सुनाए, ये देखने के लिए कि क्रिंजी सॉन्ग्स पे पूजा का क्या रिएक्शन होगा। ये क्या भाई, क्यों कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई, कौन से प्लैनेट से आते हैं ऐसे लोग? एक यहाँ पे ढिंचक पूजा है, एक कोई और, कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं ये लोग, किससे हो रहे हैं? देखा आपने इसको पहले कभी? दिस इज एलियन डीजे मृणाल। ये एक अलग ही कैटेगरी है इंसानियत की, मतलब एक तरफ इंसान होते हैं, एक तरफ डीजे मृणाल है। आपको पता है इसने एक इंटरव्यू में बोला था ये आपसे इंस्पायर्ड है। पता नहीं, मैं तो देखती हूं। आप जानती नहीं है, लेकिन आपने एक पूरी नई, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? जनरेशन ऑफ सिंगर्स को इंस्पायर करके रखा हुआ है। अच्छा
ऑल राइट गाइस, तो अभी हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टू लाइज एंड वन ट्रुथ, जहाँ पे हमें अपने बारे में दो झूठ बताने और एक सच बताना है और सामने वाले को पकड़ना है कौन सा सच है कौन सा झूठ है। पहली, मैं 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। दूसरी, मैं यूट्यूबर बनने से पहले चांदनी चौक पे बर्गर की रेडी लगाता था। और तीसरी, मेरी हाइट 6'1" से ज्यादा है। अब आपको बताना है कि इसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। फेल वाला क्या है? 10th में 2 बार फेल हुई थी वो सच है। हाँ। नहीं गाइस, तो ना ही मैं 10th में फेल हुआ था ना ही मैं बर्गर की रेडी लगाता था। मेरी हाइट एक्चुअली 6'15" है। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ आपसे 3 क्वेश्चन, उसमें से बताइए कि सच क्या है। मेरा नाम पूजा नहीं है। सेकंड, मैं इंडिया से नहीं हूँ, बर्थ कहीं और हुआ है, अभी तो इंडिया में हूँ। और थर्ड, मुझे डॉग पसंद नहीं है। डॉग पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वाला आपने बोला ना कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मुझे वो लग रहा है कि वो वाला जो है वो सच हो सकता है। कहाँ से? मुझे क्या पता, मंगल मंगल से हो सकता है। मैंने सोचा दुनिया से नहीं हूँ। आपका नाम पूजा नहीं है, आई थिंक ये तो झूठ है। पूजा ही नाम है आपका शायद। आफरीन फातिमा बेगम का थर्ड वाला सच है। सी, आई गॉट इट। मतलब आप इंडिया से ही हैं। ये वाला शॉट ले, ये वाला देखिए, वाला मिले। तो गाइस, मैं बता रहा था, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना जिम करता हूँ और मैंने सबको पंजे में हरा रखा है YouTube इंडिया में सबको, लेकिन इस भोली भाली लड़की को छोड़ के अब इस लड़की को भी हम हरा देते हैं पंजे में एक बार ही में। खेल खत्म। भिज्जे पूजा के साथ आम रेसलिंग। आर यू रेडी? एरियल पंजा। देखिए पूजा जी, अगर आप ये जीत गए आप तो आप पूरा चैलेंज जीत जाएंगे। ठीक है, रेडी है? गो। किधर? यस, आई वॉन। ओह माय गॉड गाइस, मेरा माइक गिर गया है और मैं हार गया हूँ गाइस। क्या क्या चल रहा है भाई वीडियो में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गई हैं। काफी दम है एक्चुअली इसमें। तो पूजा जी, बस वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ 2 लाइनें भी अगर गुनगुना देंगी ना, वो बस मजा आ जाएगा। गुनगुना, डांस करते हैं। ठीक है, मरने तक डांस करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे, मिलकर सब डांस करेंगे। डांस करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे, मिलकर सब मरने तक डांस करेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे। गाइस, ये था ढिंचक पूजा का आने वाला गाना। 1 मिनट में बना दिया, 1 मिनट में, ऑन द स्पॉट। एनीवेज, आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। ये आई थिंक पूजा आपका फर्स्ट एवर कोलैब था इंडिया में आज तक का, वो भी ट्रिगर्ड इंसान के साथ। भाई साहब, ये क्या देख लिया यार भाई। गाइस, मुझे नहीं पता ये क्या था, मुझे सच में नहीं पता इनका कितना खतरनाक कैसा कोलैब था, क्या था। रियल लाइफ में ये एक बार मिल गए तो गाइज, आप बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। भाई मेरे तो गाल दर्द हो गए भाई, हंसते हंसते जो रोस्ट कर रहे थे ये भाई, दोनों मौका नहीं छोड़े थे एक दूसरे को, इतना खतरनाक रोस्ट किया है दोनों ने, मजा आ गया। बाकी गाइज, आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे जल्दी गेम प्ले की नई रिएक्शन वीडियो पे। अब लेती हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, सायोनारा गाइस।